नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी मैंने 4 महीने तक संतों की सेवा की और 4 महीने बाद चातुर्मास जब पूर्ण हो गयो, संत लोग जब प्रस्थान करने लगे, मैंने संतों के चरण पकड़ लिए, गुरु जी हमको भी अपने संग ले चलो, आपके संग रहने की आदत पड़ गई, अब घर में अच्छा नहीं लगे है, आपके बिना मन नहीं लगेगा। संत लोग बोले, बेटा तेरी ये बाल्यावस्था है, अभी तो तू अपने गांव में हो और हम लोग तो कभी जंगलों में, कभी नदियों के किनारे, कभी पर्वतों पर भ्रमण करते रहे, तू कहां कहां जाएगा बेटा, हमेशा तेरी चिंता और रहेगी, चेला कहां गया, चेला कहां गया। बेटा हम तुझे मंत्र दे जा रहे हैं, तुझे नाम दे जा रहे हैं, तू प्रेम से 1 करोड़ नाम जप करना, तू भगवान का भक्त हो जाएगा। संतन ने मेरे गले में तुलसी की कंठी बांध दी, कान में मंत्र दे दियो, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बस मैंने संतों को प्रणाम कियो, मेरे संत मेरे गुरु जब चले गए, घर पे आके आसन पर बैठ के और जैसे ही माला लेके मैंने भजन कियो ना, मेरी माँ को चिंता हो गई कि संत लोग तो गए, बाबा जी तो गए, मेरे बेटा को बाबा जी बना गए। मेरी मैया को बड़ी चिंता हो गई, मैया ने सब नाते रिश्तेदार बुलाए, भैया आप क्या करें, सबने सलाह दी, माता जी इसका विवाह करा दो, आएगी 2 चोटी वाली, राधे श्याम सीताराम सब भूल जाएगा। हमारे विवाह की तैयारी होने लगी, नर जी कह रहे, व्यास जी मैंने भगवान से प्रार्थना की, मैं तो विरक्त मार्ग से आपकी साधना करना चाहता हूँ, गृहस्थ मार्ग में भजन थोड़ा कम होता है और विरक्त मार्ग में भजन खूब हो जाता है, 18 घंटे भजन करो, गृहस्थ मार्ग में ज्यादा ज्यादा 3 घंटे भजन मुश्किल। भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रातः काल मित्रों ने आए के सूचना दी, नहीं भैया तुम्हारी माँ को गौशाला में सांप काट गया। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी किसी की माँ मरे तो रोता है, मैं तो भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आपने मेरी मैया पहले ही अपने धाम में बुला ली, अब मैं प्रेम से भजन करूं। जब भी विवाह होगा ना तो अग्नि के 7 चक्कर लगाते हैं, 7 फेरा लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं, जो बचपन से महात्मा हो गए उनकी बात छोड़ो, जिनको विवाह नहीं भयो, हमने आपने सबने लगाए, अब किसी से पूछो भैया आपने ये अग्नि के 7 चक्कर क्यों लगाए, कोई बताने को तैयार नहीं। पंडित जी ने कहा इसके बिना विवाह नहीं होगा, विवाह कराना था इसलिए लगाए, तो क्यों लगाए चलो मालूम कर लें। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 इनके और गुरु गोविंद अग्नि 3 इनके, 4 और 3 7, लेकिन वास्तविक अर्थ कुछ और है भैया। 7 दिन है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 7 दिन है और 7 ही चक्कर लगवाए जाते हैं, प्रतिज्ञा कराई जाती है, बेटा आज के बाद 7ों दिन चक्कर में लगे रहो, सोमवार को आटा पिसाओ, मंगलवार को बिल भर के आओ, बुधवार को बच्चों की फीस भर के आओ, बृहस्पतिवार को फलाने काम करो, शुक्रवार को ये करो, शनिवार को ये करो और रविवार को और ज्यादा करो। कितने जीवन में ये सोमवार शनिवार आए और चले गए, किसी से पूछो भैया इतने सोम शनि चले गए, अब तो फुर्सत होगी, काम करते करते अब परेशान हो गए, अब तो भजन कर लो, अरे बाबा फुर्सत कहाँ है भजन करने की, कथा करने कथा सुनने की फुर्सत नहीं, भजन करने की फुर्सत नहीं, गाय सेवा करने की फुर्सत नहीं, माता पिता के चरण दबाने की फुर्सत नहीं, और जाने कितने कामों के लिए फुर्सत ही फुर्सत। लगाते लगाते चक्कर हो गए घन चक्कर, उम्र हो गई 60-70, किसी से कहो भैया चलो ना, अरे बाबा फुर्सत नहीं। और जो इनसे बचे चक्करों से वही ठाकुर जी को अच्छा लगता है। हाँ महाराज, सबरी विवाह से पहले ही भाग गई थी, स्वामी समर्थ रामदास आधे फेरा पड़े थे, मालूम पड़ा 7ों दिन चक्कर में लगे रहना है, आधे फेरा छोड़ के भाग गए, शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास। और मीराबाई को मालूम पड़ा ये चक्कर ठीक नहीं, मीराबाई विवाह के बाद महात्मा हो गई, घर में रहते हुए मीराबाई
महात्मा हो गई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रभु से। अपना समर्पण जब कृष्ण को कर दिया जाए तभी जीवन को वास्तविक सार आनंद आवे। आज नर जी भी कह रहे हैं बस मैंने भी दोनों हाथ ऊपर किए और जंगल में भाग गयो, संग में कोई पात्र भी नहीं लियो, मैंने विचार कियो अरे माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं, वहां कौन सा पात्र है। एक एवाति याद्रोहम अद्राक्षम विपिनम महतो, वन में गयो सरोवर में स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, और जैसे ही गुरु मंत्र को जाप मैंने प्रारंभ कियो और मेरे ध्यान में भगवान को इतना सुंदर स्वरूप आयो, भगवान के इतने सुंदर दर्शन मुझे हुए ध्यान में कि भगवान के वो दर्शन करके मैं आनंद रूपी समुद्र में डुबकियां लगाने लगा। आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम उभयम मुने, थोड़ी देर तक भगवान को वो सुंदर स्वरूप मेरी आंखों के सामने रहे, फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, जो ध्यान में भगवान दर्शन दे रहे थे ना वो चले गए। और भगवान के अंतर ध्यान होते ही मैं व्याकुल हो गयो, बार बार कोशिश करने लगा भगवान के उसी रूप के दर्शन हो जाएं। भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, कानों में आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी सुनाई दी। बेटा जिसके मन में थोड़ी भी इच्छा बाकी रह जाती है, कसाएं वासनाएं बाकी रह जाती हैं, उनको मेरा दर्शन नहीं मिलता है। तुम्हें एक बार जो मैंने दर्शन दियो है ना, वो तो यामारा दर्शन दियो है, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए मैं वास्तव में हूं और ऐसा हूं, अपना प्रतिरूप दिखाया है, यानी सैंपल दिखाया है, जैसे विश्वास हो जाए मैं वास्तव में हूं और ऐसा हूं। एक बार वृंदावन जाके देख के आ जाओ, गोवर्धन देख के आ जाओ, हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथपुरी द्वारका रामेश्वर घूम के आ जाओ, राजापुर में बैठे हो, नेत्र बंद किए तो क्या बोले रामेश्वर में खड़े हैं, नेत्र बंद किए तो क्या बोले द्वारका जी में खड़े हैं, नेत्र बंद किए तो क्या बोले महाराज जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़े हैं, समुद्र के किनारे तरंग आ रही है, नेत्र बंद करते ही दिखने लगेगा, देख के आ गए ना। इसलिए अपने राजापुर में बैठ के, अपने गांव में, अपने घर में बैठ के नेत्र बंद किया और लगा गोवर्धन में खड़े हैं। अगर कभी गोवर्धन गए नहीं हो, द्वारका गए नहीं हो, जगन्नाथ जी गए नहीं हो, रामेश्वर बद्री केदार गए नहीं हो, गंगा सागर गए नहीं हो, तब घर में बैठ के किसकी याद करोगे। एक बार देख के आ जाओगे घर में बैठे बैठे, जब याद करोगे दृश्य सामने आ जाएगा। आज भगवान कह रहे हैं यामारे अपना रूप दिखायो, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए वास्तव में हूं और ऐसा हूं। अब मेरा नाम जप करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो, हमारे पास आ जाओगे। बस नारद जी कह रहे हैं वो शब्द सुनते ही मैं भजन में लग गयो, मैंने जीवन भर भजन कियो, मेरे सामने प्रलय हो गई, सृष्टि नष्ट हो गई, मेरा भी जीवन समाप्त हो गयो और अगली बार सृष्टि में मैं नारद बन के आयो। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको ज्ञान दिया, योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया और मुझे आशीर्वाद दिया ब्रह्मा ने कि बेटा जाओ संसार के लोगों को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दो।